बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां 3 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मलबे में 4 और लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। 10 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जेसीबी की मदद से लगातार मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा है। 10 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन का एक्शन लगातार देखा जा रहा है। 3 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मुश्किल में जान अभी फंसी हुई है, क्योंकि मलबे में कई लोग दबे हुए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। 3 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर है। बिल्डिंग गिर गई है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग गए तो सब लोग को निकाल निकाल के हॉस्पिटल। 3 मंजिल बिल्डिंग थी। 3 मंजिल की थी। तो कितने लोग उसमें किराए पर रहते थे? किराए पे कोई नहीं रहता था, सब फैमिली मेंबर ही रहते। तो कितने मेंबर रहते थे? अरे बाकी तो बाहर थे, 10-11 लोग। ये हासिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में, बाराबंकी जनपद के। और रात को 3:10 पे सूचना मिली कि एकाएकी गिर गई है यहाँ पे, और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित है। रात को इस घर में 16 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू की और अलीम की। एसडीआरएफ भी आ गई है और एनडीआरएफ की टीम भी बस 2 मिनट में पहुंचने वाली है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको तत्काल पहले प्रायोरिटी है कि उनको भी निकाल लिया जाए। तो प्रशासन का ये कहना है कि 19 लोग इस इमारत में थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। हालांकि 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी कई लोगों की हालत गंभीर है। कुछ लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन दुखद हादसा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रविंद्र कुमार बाराबंकी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, कैसे पूरा हादसा हुआ है, विस्तार से बताएं। ये देखिए, पूरा हादसा बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर कस्बे का ही है। यहाँ सट्टी बाजार है मोहल्ला, इसी में मोहल्ले की 3 मंजिला पूरी बिल्डिंग है। जो मकान था 3 मंजिला, वो रात करीब 3 बजे बताया जा रहा है भरभराकर पूरा का पूरा धिमकोस हो गया है। इस घटना में जो परिवार में के लोग इसमें सो रहे थे, वो करीब 16 लोग थे इसमें सो रहे थे, वो सभी इस मलबे में दब गए। जैसे प्रशासन को सूचना मिली, मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया। 12 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है, जिनमें से 2 लोगों की जो गंभीर घायल थे उनकी मौत हो चुकी है, और अभी 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 8 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, और 4 लोगों की आशंका जताई जा रही है कि अभी मलबे में दबे हैं। उनका राहत बचाव करते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। रविंद्र, लेकिन इमारत गिरने की वजह क्या बताई जा रही है? रविंद्र की आवाज नहीं पहुंच पा रही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दुखद हादसा हुआ है, 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई है। हालांकि किन कारणों से यह इमारत ढही है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन मौके पर जांच भी की जा रही है।